किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन चलता रहे लेकिन हल भी निकलना चाहिए। कोर्ट ने कहा विरोध भी चलता रहे और लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन भी ना हो। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आंदोलन शांतिपूर्ण चलता रहे, पुलिस भी हिंसा ना करे और सड़कें भी रोकी ना जाएं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कृषि कानून की कॉपी फाड़ी, बोले किसानों के लिए नहीं, बीजेपी की फंडिंग के लिए बनाया गया है कानून। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का किसानों के नाम खुला खत, खत में तोमर ने कहा एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार है सरकार। 8 पन्नों के खत में तोमर ने कृषि कानून की खूबियां गिनवाई। किसान आंदोलन के बीच एबीपी न्यूज से बोले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, किसानों की मदद के लिए जल्द ही गांव-गांव में स्पेशल सर्विस सेंटर खुलेंगे। सीमा पर घुसपैठियों की साजिश नाकाम, अटारी वाघा बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने 2 घुसपैठियों को ढेर किया, घुसपैठियों के पास हथियार और हीरोइन बरामद हुई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को गिरफ्तार किया, कश्मीर का रहने वाला था आतंकी। अमित शाह के बंगाल दौरे से पहले टीएमसी में बड़ी हलचल हो सकती है, सूत्रों के मुताबिक परसों मिदनापुर में अमित शाह की रैली में शुभेंदु अधिकारी और सांसद सुनील मंडल समेत कई टीएमसी नेता बीजेपी में शामिल होंगे। विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी, शुभेंदु ने चिट्ठी में लिखा उन्हें और उनके साथियों को गलत मामलों में फंसाया जा सकता है। ममता की पार्टी में मची भगदड़, शुभेंदु अधिकारी के बाद टीएमसी नेता जितेंद्र तिवारी ने भी टीएमसी से रिजाइन किया। गृह मंत्रालय ने बंगाल के 3 अधिकारियों का ट्रांसफर किया, सीएम ममता बोली राज्य के अधिकारों को हड़पने की कोशिश कर रहा है केंद्र। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का विवादित बयान, नरोत्तम मिश्रा ने सोनिया गांधी की तुलना कैकई से की, बिना नाम लिए कहा मां षड्यंत्र से बेटे को गद्दी दिलवाना चाहती थी। प्रकाश जावड़ेकर का राहुल गांधी पर हमला, जावड़ेकर बोले राहुल डिफेंस कमेटी की बैठक से भाग गए, जावड़ेकर ने कहा राहुल 14 मीटिंग में से सिर्फ 2 बार शामिल हुए हैं। देश में थम रही है कोरोना की रफ्तार, कल देश में 18,000 कोरोना के नए मामले सामने आए, 15,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए, कोरोना से अब तक 1,44,000 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में एमसीडी के बकाया वेतन मामले का विवाद बढ़ा, दिल्ली बीजेपी ने आज विरोध में मार्च निकालकर प्रदर्शन किया, बीजेपी के 40,000 कार्यकर्ता आज से उपवास पर। आज पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के बीच वर्चुअल बैठक हुई, शेख हसीना ने पीएम मोदी को बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता भी दिया। श्रीनगर में डल झील जम गई, द्रास में भी पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर, द्रास में पारा 0 से नीचे गिरने की वजह से खाने पीने के सामान भी जमने लगे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड, उत्तर भारत में कोहरे का प्रकोप जारी, शीतलहर से दिल्ली में आज तापमान 3.5 डिग्री तक गिरा। उत्तराखंड के जोशीमठ में बड़ा हादसा, ट्रक पुल से नीचे अलकनंदा नदी में गिर गया, चालक समेत 2 लोग लापता हैं। दुनिया भर में अब तक करीब 7.5 करोड़ लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी कोरोना से संक्रमित हुए। ABP News, आपको रखे आगे।